दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य बिना सोचे समझे जो मन में आता है वह खाता चला जाता है, वही आगे जाकर उसके लिए काल बन जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भोजन करने का सही तरीका कौन सा है, भोजन करने की सही दिशा कौन सी है, हमें भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए, और वह कौन से तीन प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने मात्र से ही मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, एक समय देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए बिना किसी कारण ही यमपुरी के मार्ग की तरफ से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा यमपुरी में मृत आत्माओं की लंबी कतार लगी हुई है, जिनमें वृद्ध कम ही नजर आ रहे थे, ज्यादातर युवा और कुछ बालक और कुछ वृद्ध लोग भी थे। यमराज उनके कर्मों के आधार पर कुछ लोगों को स्वर्ग और कुछ लोगों को नर्क में डाल रहे थे। तब देवर्षि नारद जी ने सोचा कि इतनी कम उम्र में इन मनुष्यों की मृत्यु कैसे हो सकती है, जबकि कलयुग के प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। यहाँ 15 से 40 वर्ष की आयु में ही सभी की मृत्यु हो जा रही है। तब जी के मन में एक प्रश्न उठता है और वह सीधा भगवान विष्णु की बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और नारायण नारायण करते हुए अपने आराध्य भगवान विष्णु को और मां लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। जब भगवान विष्णु नारद जी को देखते हैं तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवर्ष नारद, आज आप किस प्रयोजन से बैकुंठ में पधारे हैं? तब देवर्ष नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं यमपुरी की ओर से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य जीवन पतन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। कलयुग में मनुष्य की आयु अपने 100 वर्षों तक निर्धारित की थी, मगर आजकल मनुष्य 15 से 40 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कुछ तो 15 से भी कम वर्ष के होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं जो 100 वर्ष जी पाते हैं। हे प्रभु, उस मनुष्य की मृत्यु के होने का कारण क्या है? मेरा प्रश्न बस यही है कि वह कौन से तीन प्रकार के भोजन है जिन्हें करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्यों की आयु को कम करने वाला होता है, और भोजन को किस दिशा में मुँह करके करना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपने आज समस्त मनुष्य जाति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए हमसे यह प्रश्न किया है। यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जल में रहने वाली मछली के लिए जल, परंतु हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महान कथा के माध्यम से दूंगा। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप उस कथा को कहिए, मैं आपके द्वारा कही गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। चलो मैं आपको इस कथा के माध्यम से बताता हूँ। यह कथा त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने मेरे ही अवतार श्री राम को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे नारद जी, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनना और इस कथा का प्रचार प्रसार भी करना। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसको उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्ष नारद जी, यह बात त्रेता युग की है।
विधु आपू के समीप एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार लगभग 100 योजन तक था, परंतु उस जंगल में ना कोई भी पशु और ना ही कोई पक्षी रहते थे। उस जंगल में केवल वृक्ष और पेड़ पौधों की ही हरियाली थी। वह जंगल इतना घना था कि जिसमें मनुष्य तो दूर की बात है, उस जंगल की तरफ कोई पशु भी नहीं जाता था। परंतु उसे जंग मंगल के मध्य भाग में लगभग 4 कोस लंबी एक झील थी और उसी झील में हंस, बतख तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार मुनि विश्वामित्र उस झील के पास से गुजर रहे थे, तब उनको बहुत ही सुंदर और विचित्र दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि उस जंगल में ना कोई आता था और ना ही कोई जाता था, परंतु उसी झील के समीप एक बहुत बड़ा आश्रम था जो देखने में बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी उसके सुंदरता मन को मोह लेने वाली थी। वह आश्रम अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में ना कोई साधु संत तपस्या करते थे और ना ही उस आश्रम में शिष्यों को पाठ का ज्ञान दिया जाता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अब विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि यहाँ कोई संत महात्मा भी नहीं है, चलो आज हम यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। विश्वामित्र मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वे जब उस झील के पास गए तो उन्होंने रास्ते में एक मुर्दे को देखा। अब विश्वामित्र मुनि सोच में पड़ गए कि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है, तो यह लाश कहां से आई। वह लाश जो पड़ी हुई थी, वह शरीर से अत्यंत बलवान और हष्ट पुष्ट जान पड़ती थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह किसी तरुण पुरुष की लाश हो। उस लाश को देखकर विश्वामित्र मुनि अपने अंतर्मन से कहने लगे कि यह पुरुष कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हो गई, तथा यह पुरुष इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। अब उसे मरे हुए आदमी के बारे में जानने के लिए विश्वामित्र मुनि चिंतित हो गए। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह पुरुष उस दिव्य विमान से उतरने के बाद उस झील में स्नान करने के लिए चला गया। अब झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मरे हुए पुरुष का मांस खाने लगा। उसने भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाया और फिर वह फिर से अपने दिव्य विमान की ओर जाने लगा। वह दिव्य विमान ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह स्वर्ग का विमान हो। अब वह दिव्य पुरुष उसी विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। मुनि विश्वामित्र यह सब कुछ खड़े खड़े देख रहे थे। जब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि वह पुरुष अब उस दिव्य विमान में बैठकर फिर से स्वर्ग लोक को प्रस्थान करने वाला है, तभी उन्होंने उस पुरुष को आवाज लगाई और कहा कि हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो। तुम तो देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो। ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है। तुम्हारा भोजन तो गंधर्व जैसा है, भला एक स्वर्ग से आया हुआ पुरुष ऐसा भोजन कैसे कर सकता है। ऐसा भोजन तो स्वयं यमराज भी नहीं ग्रहण करते। अब उस दिव्य पुरुष ने विश्वामित्र मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, हे दिव्या महात्मा, आपको प्रणाम है। मेरा भोजन पहले ऐसा नहीं था, मैं भी एक आम इंसान था, परंतु मेरी कुछ गलतियों की वजह से ही आज मेरा भोजन ऐसा हो गया है। हे महात्मा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी गलती की, जिसकी वजह से आज मुझे यह घृणित भोजन करना पड़ रहा है। हे महर्षि, मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरा एक राज्य था, जिसमें मेरे महायशस्वी पिता वसुदेव राज्य करते थे। इनका नाम तीनों लोकों में
प्रसिद्ध था। मेरे पिताजी परम धार्मिक व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ने दो विवाह किए थे जिससे उनकी दो पत्नियां थी। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके दो पुत्र हुए। मैं और मेरा भाई महायशस्वी परम प्रतापी धीर वीर पुरुष थे। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। मेरी परम यशस्वी पिता ने मेरा नाम देवराज रखा था तथा मेरे छोटे भाई का नाम विजयराज रखा था। हम दोनों भाई अपने नाम और काम दोनों से बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। हमारी जिंदगी बहुत सुख से बीत रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहाँ सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। अब राज्य करते हुए कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पता चला और मैं वैरागी बन गया और उसी दिन मैंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया है और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। विदर्भ देश का राज्य मैंने अपने छोटे भाई विजयराज को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ इस झील के पास आ गया और यहाँ पर आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया और मैंने 11,000 वर्षों तक मैं इस झील के पानी में बैठ के तपस्या करता रहा। मेरी तपस्या को देखते हुए सभी देवता गण मुझसे प्रसन्न हुए और मेरी तपस्या के प्रभाव से मुझे ब्रह्मा लोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में किसी को भी ना तो भूख लगती है ना ही प्यास लगती है और ना ही वह मनुष्य मर सकता है। वह अजर अमर अविनाशी हो जाता है। परंतु मेरी समस्त इंद्रियां भूख से तिल मिला उठती थी। हे मुनिवर, मैंने अपनी इस दुविधा के निवारण के लिए मैंने ब्रह्मा लोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी के पास में गया और उनसे से पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर मुझे भूख और प्यास इतना क्यों सता रही है? यह भूख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे इस बात को बताइए कि मैं वह कौन सी चीज का सेवन करूं जिससे मुझे भूख से तृप्ति मिल जाए। फिर ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा कि हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो पाता है। परंतु हे राजन, ना तो आपने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया। द्वार पर आए भिखारी को द्वार से ही वापस लौटा दिया। उसे दान कभी नहीं दिया, कभी किसी भीख मंगे को भीख तक नहीं। आप एक राजा थे। आपने अपने राजमहल की समस्त प्रजा को खुश रखा, परंतु तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया और आपने सदैव भी अनुचित भोजन किया है और साथ ही आप बिना स्नान किए ही भोजन किया करते थे, जो कि शास्त्रों के हिसाब से गुनाह माना गया है। साथ ही भोजन शुरू करने से पहले तुमने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि अगर आपको भोजन की प्राप्ति हो रही है तो वह किसकी वजह से हो रही है? आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और वही आपने नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही आपने उस भोजन को ग्रहण किया है। हे राजन, इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है, इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में रहते हुए भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जब आप जीवित थे तब आपने जीवित रहते हुए अनेक प्रकार के आहार का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया और तुमने जो तपस्या की उसकी वजह से तुमको ब्रह्मलोक में स्थान तो प्राप्त हो गया, परंतु तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। है राजन, तुम्हारी भूख को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा मृतक शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से मुझे समझा आया तो मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के
पश्चात मेरा क्या होगा, उसके बाद मैं क्या खाऊंगा, मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं एक ब्रह्मा पुरुष हूँ और मैं किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता, तो हे भगवान कृपया कुछ ऐसा भोजन बताइए जिसको खाने के बाद मुझे लगने वाली भूख प्यास हमेशा के लिए मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है, हे राजन अब आप उसे चाहे जितना खाएंगे फिर भी वह समाप्त नहीं होगा और ना ही वह बदबू देगा। तुम्हारे द्वारा खाए गए तुम्हारे ही शरीर के अंग दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा, इस मृत शरीर के अंग फिर से उगा आएंगे, इस प्रकार तुम फिर से उन्हें तुम फिर खा सकोगे। तुमको अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुमको एक दो वर्ष बीत जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि विश्वामित्र पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने उस राजा को इसके पीछे का राज्य बताया तो अब उस दिव्य पुरुष ने सारी हकीकत महर्षि विश्वामित्र को बता दी और कहने लगे, हे विप्र मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का कच्चा मांस खाता हूँ, यही मेरा आहार है। ना जाने कब मुनि विश्वामित्र यहाँ पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। अभी तक मैंने यह सोचते सोचते लगभग 100 वर्ष बिता दिए हैं और मैं आज भी महर्षि विश्वामित्र की राह देख रहा हूँ। राजा देवराज का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन कहो आपके सौभाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं ही मुनि विश्वामित्र हूँ, कहिए राजन मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब राजा देवराज अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर विश्वामित्र के चरणों को वंदन करने लगे। राजा देवराज ने कहा, है मुनिवर कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, मैं इस प्रकार का भोजन करते करते निराश हो चुका हूँ, कृपया आप मुझे इस घृणित भोजन से मुक्त कीजिए, इस भोजन से मुक्त होने के बाद मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सकेगी। हे महर्षि कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा देवराज की दुख भरी बातें सुनकर मुनि विश्वामित्र को उन पर दया आ गई। अब महर्षि विश्वामित्र ने उस राजा के शरीर को जैसे ही छुआ उस राजा का मृतक शरीर वहां से अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए और फिर महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। अब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी इस प्रकार से उस राजा देवराज को दान ना करने के पाप से मुक्ति मिली, इस प्रकार से उचित भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मा लोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। है देवर्षि नारद जी अब मैं तुम्हें भोजन के कुछ नियम बताता हूँ, आप इन नियमों को ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपको यह कर करना है कि आपको भगवान को धन्यवाद करना है जिसकी वजह से आपको यह भोजन मिल रहा है। दूसरा काम आपको भोजन शुरू करने से पहले यह करना है कि थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना है ताकि देवता पशु पक्षी सर्प दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें, फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं,
हे नारद जी, पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पाप में बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो मनुष्य बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन को ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उस मनुष्य को पाप लगता है। परोसे हुए भोजन का अग्र भाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करें। प्रथम तीन निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। यमराज जी आगे कहते हैं, देवर्षि नारद जी, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा होती है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें। यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, जिससे घर में गरीबी आती है। भोजन हमेशा थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके कोई भोजन करता है तो ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर कोई भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांग कर चला गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरा के द्वारा लांगा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भोजन करने
से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है। उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके ही अन्न को ग्रहण करना है सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वामुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई प्रकार की व्याधियों उत्पन्न होती हैं। यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है इस प्रकार के भोजन को सूरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्यरात्रि में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन करके भी भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहन कर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्ट का कारक होता है। इससे गले में अन्न फंस कर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। अब यमराज जी कहते कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि वह कौन सा भोजन है जिसे मनुष्य को करना चाहिए और वह कौन सा भोजन है जिसे मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु जी, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है और मैं समझ चुका हूँ कि वह कौन सा भोजन है जिसकी वजह से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को संपूर्ण लोक में विख्यात करूंगा। इतना कहने के बाद देवर से नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके वहां से नारायण नारायण कहते हुए चले गए।